देश में बढ़ती महामारी को लेकर जहां एक तरफ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि जहां भी लापरवाही बढ़ती जा रही है वहीं सख्त रुख अख्तियार कर लेना चाहिए, वहीं यूपी में कानपुर ऐसा शहर बन चुका है जहां लापरवाही के चलते अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 191 जा पहुंची। कुछ इसी का जायजा लेते हुए हमारे संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव ने उन इलाकों का रियलिटी चेक किया जहां सख्त आदेशों की धज्जियां चुटकियों में उड़ा दी जा रही हैं। लॉकडाउन को लेकर के जहां पूरे देश में महामारी फैली वही कानपुर में रिपोर्ट आ रहा है, देखने को मिले 191 रिपोर्ट आई है। आपको बता दें कुछ गोविंद नगर क्षेत्र और बर्रा क्षेत्र में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बिल्कुल लापरवाही देखने को मिलती है। आप इस वक्त की जो तस्वीरें देख रहे हैं आवागमन जो वहाँ निकल रहे हैं बराबर कंटिन्यू, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, और बराबर वहाँ निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही देखने को मिलती है। और बता दें आपको कि जो इस पर ध्यान में रिपोर्टें अभी तक आई हैं सामने, तो ये भी कहीं ना कहीं भूल चूक हुई है। आपको बता दें कि जो कल आंधी तूफान आया जिससे कि कईयों की कमर तोड़ चुका है जो आंधी तूफान, और किसानों की कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो चुका है। जो कि बता दें आपको फसलों की बात करी जाए तो कई फसलें ही बेकार हुई हैं। गेहूँ जैसा कि आपको बता दें इस वक्त की जो गेहूँ थे खेतों में बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। आज किसानों से भी बात करिए तो इसी तरह का मौजूदा जो तस्वीरें बताई देखने को मिली हैं, कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर भी कमर तोड़ दिखाई दी है। और ये बताते जो कल काली आंधी आने के बाद एकदम से पानी आया है जिससे कि लोगों को नुकसानदायक हो सकता है। तो आप लोग से इंडियन बैंक जो आपसे यही अपील करता है कि आप घर पर रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। कानपुर से मानसून वास्तव इंडियन प्राइम न्यूज।